बच्चों का जन्मदिन हमें किस प्रकार मनाना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए। आजकल बच्चों के जन्मदिन में हम लोग केक ले आते हैं, काट करके मोमबत्ती बुझा करके और हैप्पी बर्थडे टू यू कह लेते हैं। समझदारी का विषय है, कॉमन सेंस है तो आप समझेंगे। हमारा जो भारत है, हम लोग दीपक बुझाना नहीं जानते, हम लोग तो दीपक जलाना जानते हैं। हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक को कभी बुझाते नहीं हैं, और फूक मार करके तो कभी नहीं बुझाते। बुझाना होता है दीपक को तो कपड़े से बुझाते हैं या हाथ से ऐसे बुझा देते हैं, पर मुंह से नहीं बुझाते, फूक मार के नहीं बुझाते। सही है क्या? हमारे भारत में दीप जलाने की परंपरा रही है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पर विदेशी कल्चर बुझाना जानता है, आज वही कल्चर को भारत अपना बैठा है। आजकल बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चों से ही दीप बुझाया जाता है। अरे पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे थोड़ी तो अक्कल होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है। दीपक बुझाना क्या ये उचित है? आप आरती करते हो भगवान की तो दीप बुझा के कि जला के? दीपावली में दीप जलाते हो कि बुझाते हो? गृह प्रवेश में दीप जलाते हो कि बुझाते हो? हर शुभ कार्य में दीप जलाया जाता है, और बच्चे के जन्मोत्सव में दीप बुझा रहे हो? बताओ, भारतवासियों को आपको शोभा नहीं देता। अमेरिका जापान का आदमी बुझाए तो चलेगा, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, और ये विश्व गुरु भारत आज ये हरकत कर रहा है तो निंदनीय है ही। आप समझदार लोग हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित भारत में ही हुआ करते थे, अब प्रेजेंट में कितने हैं मैं नहीं जानता। शून्य का आविष्कार भारत ने किया, आर्यभट्ट भारतीय थे। बड़ी बड़ी बातें हैं, आज आप लोग दीप बुझाते हैं, इसलिए संकल्प लीजिए कि हमें दीप जलाना है और बच्चों का जन्मदिन मनाइए। हमारे भारत में लड्डू बांटने की परंपरा रही है। लड्डू क्यों बांटा जाता है? क्योंकि लड्डू को आप जब बनते हुए देखेंगे तो इसमें एक संदेश छिपा होता है। लड्डू बहुत सारे दानों को मिलाकर एक लड्डू, जैसे तिल का लड्डू है। तिल का लड्डू कैसे बनता है? अभी तिल का लड्डू बनने का समय आ रहा है जनवरी में, मकर संक्रांति। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, हाँ कितने लड्डू, मोदक। महाराष्ट्र का लड्डू अलग होता है तो गुजरात का लड्डू अलग प्रकार से बनाते हैं। हर प्रांत में अलग अलग लड्डू क्यों, कैसे? कहते हैं एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ देना ही लड्डू है। अर्थात लड्डू बांटने का, लड्डू खाने का अर्थ ये था कि जैसे लड्डू एक से दूसरे दाने से जुड़ा है, एक दाना दूसरे से, दूसरा दाना तीसरे से, ऐसे ही लड्डू के बहुत सारे दाने संगठित रहते हैं। ऐसे हमें भी अपने घर परिवार में, समाज में संगठित रहना चाहिए लड्डू की तरह। जैसे लड्डू का हर दाना संगठित होता है, ऐसे ही हमें लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। और केवल संगठित नहीं, लड्डू मीठा भी होता है, हमारे रिश्तों में लड्डू की तरह मिठास भी होनी चाहिए। ये लड्डू खाने के पीछे का संदेश था, इसलिए लड्डू खाने की परंपरा भारत में रही है। भगवान भी मक्खन का गोला खाते थे, गणेश जी को भी लड्डू पसंद है। ये लड्डू है, लड्डू खाइए प्रेम पूर्वक, लड्डू बांटिए। बचपन से माँ बाप बच्चे को पहले माला पकड़ाया करते थे, बेटा बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। आजकल बचपन से चाकू पकड़ाते हैं, चल बेटा केक काट, केक काट, केक काट। तो काटना पीटना बचपन से आपने सिखाया है, बाद में फिर वो आपका हाँ सुखमय जीवन में आग लगा दे तो बाद में रोना मत, क्योंकि सिखाया। चाकू चलाना किसने सिखाया? बच्चों को चाकू चलाना किसने सिखाया? पकड़ाया किसने? मम्मी ने। मेरा मम्मी तुम्हारा कलेजा काटेगा तो रोना मत, हाँ तुम्हारे गर्दन पर चाकू चलाए, सीने में चलाए तो रोना मत, सिखाया भी तुमने ही है। जैसे संस्कार दोगे वैसा ही चरित्र बनेगा बच्चों का। हमारा भारत किस प्रकार की सोच रखता है, उस सोच पर गौर करिए। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, उससे क्या होता है,
घर पे भगवान का नाम होगा, कीर्तन होगी, इसी बहाने कन्याओं का, ब्राह्मणों का आगमन होगा, वो लोग अन्न खाएंगे तो अन्न भी शुद्ध होगा, कीर्तन होगा तो वातावरण भी शुद्ध होगा, पंडित जी छोटा सा हवन कराएंगे तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, भगवान का और विप्र देवताओं का बच्चों को आशीर्वाद मिल जाएगा, बच्चे दीर्घजीवी बन जाएंगे। यही जन्मदिन था। जन्मदिन में बच्चों को ले जाओ गरीबों के बीच में, ठंडी आ गई है, गरीब बच्चों को स्वेटर बांटो, गर्म कपड़े बांटो, बच्चों को जूते चप्पल बांटो, छोटे छोटे गरीब बच्चों को। आपके आसपास जो गरीब लोग हैं उनके पास जाओ, उनसे पूछो भाई आपको क्या असुविधा है, किसी का घर चू रहा है, अर्थात बारिश का पानी घर के भीतर आ रहा है, टप 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 पानी टपक रहा है, और आज आपके बच्चे का जन्मदिन है तो आपको उसके घर जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आपका घर टू रहा है, चू रहा है, क्या हम आपको मदद कर दें क्या? अरे लोहे की चादर ही दिलवा दो उसको, चादर दिलवा दो, छत पे डाल लेगा बेचारा, उसके घर पानी आना बंद हो जाएगा। आप जिस प्रकार की हेल्प कर सकें अपने आसपास के लोगों को, उस प्रकार की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, यही मानवता है, है ना? और हम लोग तो हजारों रुपए बच्चे के जन्मदिन में उड़ा देते हैं और बाजू का घर छत टपक रही है कोई फिक्र नहीं। भाई इंसान वो नहीं है जो केवल अपना देखे, अपना पेट पशु पक्षी भी भर लेते हैं भक्तों, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान केवल अपने नहीं देखता, अपने नहीं सोचता, वो अड़ोसी पड़ोसियों की घर जाता है। हम लोग कौन से लोग हैं? हम लोग बोला करते हैं विश्व का कल्याण हो, हम कौन लोग हैं? हम विश्व की चिंता करने वाले लोग हैं। ये सुठालिया क्या है? ये सुठालिया गांव नहीं है, ये सुठालिया में जितने लोग हैं और जितने घर हैं, ये पूरा सुठालिया गांव की तरह ना रहे, एक परिवार की तरह रहे, वसुधैव कुटुंबकम। गांव का हर सदस्य हमारा परिवार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गांव का हर सदस्य हमारा एक परिवार है। पूरा मध्य प्रदेश हमारा एक परिवार है, पूरा भारत हमारा परिवार है, और भारत नहीं, हम लोग जयकारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, हम विश्व की चर्चा करते हैं, हम विश्व के कल्याण का सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। शास्त्र हमें संदेश देते हैं कि ये पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देखता है, अमेरिका पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है। ये भारत का दृष्टिकोण है, ये भारत की थिंकिंग है, ये भारत की सोच है। हम सबसे अच्छी सोच वाले लोग हैं, हम सबसे बेहतर सोचने वाले लोग हैं, हम सबका भला चाहते हैं, आपका भी भला हो, आपका भी भला हो, हम अपने दुश्मन का भी भला ही चाहते हैं। जब पानी बरसता है ना, तो जिसके घर पे पानी टपकता है ना, वो भी कहता है कि भगवान भले मेरे घर पानी टपक रहा हो, पर अच्छा मानसून आए, अच्छा पानी बरसे, ताकि किसानों की फसल अच्छी हो। जिसका घर टपकता है वो भी अच्छे मानसून की कामना करता है। हमारा भारत, हमारे लोग केवल अपनी चिंता नहीं, विश्व की चिंता में ही चिंतित रहते हैं। ये भारत की सोच है, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। और जन्मदिन किस तरीके से मनाएं आप समझ गए होंगे।